नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपने हमारे वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको फोटोग्राफी करके बताएंगे निकॉन के D7200 18-140mm लेंस के साथ, बाउंस लाइट के साथ। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको निकॉन D7200 की सारी कैमरा सेटिंग्स बताएंगे बाउंस लाइट के साथ, कि हम कोई भी फोटो जब क्लिक करते हैं तो हमें उसकी क्या क्या सेटिंग्स रखनी है, बाउंस लाइट में क्या सेटिंग्स रखनी है और कैमरे में क्या सेटिंग्स रखनी है, इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों जैसा कि हमारे चैनल पे ऐसे ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और नए नए टेक वीडियो आते ही रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं जहाँ पे बाउंस लाइट लगी हुई है। तो दोस्तों हमारे पास से सिम्पेक्स की सिम्पेक्स 23RT बाउंस लाइट है। यहाँ पे दोस्तों हमने इनको यहाँ पे सेट कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे इस तरफ जो हमारे पर्दा लगे हुए हैं, यहाँ पे हम दोस्तों इंडोर में फोटोशूट करेंगे बाउंस लाइट के साथ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अभी फोटोग्राफी करेंगे वाइट पर्दा के साथ, उसके बाद दोस्तों कुछ फोटो क्लिक करेंगे हम ग्रीन पर्दा के साथ। तो अभी हम लोग वाइट पर्दा के साथ फोटोग्राफी करते हैं। दोस्तों अभी हमारे कैमरा की जो सेटिंग्स है, दोस्तों यहाँ पे हमने ISO इसे 100 करके रखा है। और दोस्तों यहाँ पे अपर्चर है f/6.3 है और हमारा जो शटर स्पीड है वो 160 है। तो अब हम दोस्तों इस सेटिंग्स में फ़ोटो क्लिक करेंगे, देखते कैसी फ़ोटो आती है। दोस्तों यहाँ पे बाउंस लाइट इतने पास में लगी हुई हैं और यहाँ पे पर्दा है जो वो भी यहाँ पे पास में ही है। तो दोस्तों अब हम कुछ पोर्ट्रेट शूट करते हैं, देखते हैं इस सेटिंग्स में कैसे आती है फ़ोटो। चलिए तो खड़े हो जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई पोज नहीं करवा रहे हैं हम लोग, सिंपल क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसी फ़ोटो आई है। दोस्तों इस फोटो में बहुत ज़्यादा लाइट आई हुई है, उसकी दोस्तों एक वजह है क्यों आई है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ISO है वो हमने यहाँ पे 200 करके रखा है, तो यहाँ पे इसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा आई है। अब दोस्तों हम यहाँ पे ISO जहाँ 200 था, अब हम यहाँ पे इसे 100 कर लेते हैं और फिर से हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसी फ़ोटो आती है इसी सेटिंग्स में। अपर्चर और शटर स्पीड ज्यों का त्यों है जैसा पहले मैंने बताया। अब फिर से हम फोटो क्लिक करते हैं एक और। सो दोस्तों आप इस सेटिंग्स में देख सकते हैं एकदम परफेक्टली फ़ोटो आई है, फिर भी अभी भी इसमें थोड़ी सी लाइट ज़्यादा लग रही है। तो अब हम इसमें थोड़ी और सेटिंग्स चेंज करते हैं जिससे जो फ़ोटो है वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो हमारा जो यहाँ पे अपर्चर है f/6.3 था, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम f/8 कर लेते हैं। अब हम दोस्तों इस सेटिंग्स में फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं अब कैसी फ़ोटो आती है, लाइट परफेक्ट आती है कि नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पे एकदम परफेक्ट फ़ोटो आई है इसमें। दोस्तों ना फ़ोटो में लाइट ज़्यादा है ना फ़ोटो में लाइट कम है, एकदम परफेक्ट फ़ोटो आई है। सो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने एक दो पोर्ट्रेट शूट किए हैं, अब दोस्तों हम एक फुल फ़ोटो क्लिक करेंगे, देखेंगे कैसी फ़ोटो आती है इसी सेटिंग्स में। दोस्तों आपको बाउंस लाइट ज़्यादा ऊपर नहीं रखनी है अगर आप फुल फ़ोटो क्लिक करते हैं तो, क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़्यादा ऊपर करेंगे बाउंस लाइट को तो आपकी जो फ़ोटो में लाइट है वह ऊपर से आएगी, तो आपका जो फ़ोटो है ऊपर से लाइट सही रहेगा और जो पाँव के नीचे है मतलब पाँव के पास में लाइट कम आएगी। तो इसलिए आपको लेवल पे अपनी बाउंस लाइट को रखना है। अब दोस्तों हम एक फुल फ़ोटो क्लिक करते हैं इसी सेटिंग्स में, देखते हैं कैसी फ़ोटो आती है। सो दोस्तों आप यहाँ पे ये फ़ोटो देख सकते हैं एकदम परफेक्टली फ़ोटो आ रही है, थोड़ी और आप इस तरफ आ जाइए। दोस्तों आपको करना क्या है, हमारा जो जिसका हम फ़ोटो शूट कर रहे हैं उसको दोस्तों आपको मिडिल में खड़ा करना है, मतलब ना वो ज़्यादा इस तरफ होना चाहिए ना ज़्यादा इस तरफ है, ताकि बाउंस लाइट है वो अगल बगल ना आ सके, मतलब दोनों साइड से बराबर लग सके सामने वाले पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फिर से फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसी फ़ोटो आती है।
सो आप दोस्तों देख सकते हैं एकदम परफेक्टली फोटो आई है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खड़े में पोर्ट्रेट शूट किए। अब दोस्तों हमने यहाँ पे लड़का को बिठाल दिया है। अब दोस्तों एक दो फोटो और क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसी फोटो आती है इसी सेटिंग्स में। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ISO है वो हमने 100 करके रखा है, अपर्चर है F8 है और जो शटर स्पीड है वो 160 है। अब हम दोस्तों फोटो क्लिक करते हैं बैठा के चेयर या स्टूल पे, आप कहीं पे भी बैठा सकते हैं। अब हम दोस्तों फोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसी फोटो आती। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा जो बाउंस लाइट है वो अभी भी ऊपर है, तो इस फोटो में जो नीचे तरफ है वो लाइट है थोड़ी कम आई है। हम लोगों को बाउंस लाइट थोड़ी और नीचे करनी पड़ेगी तभी दोस्तों हमारी जो फोटो है वो परफेक्ट लाइट आएगी। तो हमने यहाँ पे दोस्तों बाउंस लाइट को थोड़ा थोड़ा नीचे कर दिया दोनों साइड से। अब दोस्तों एक बार और फोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं बैठने वाली जो फोटो है वो कैसी आती है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोटो में लाइट है वो एकदम परफेक्टली आई है, जैसा कि दोस्तों हम लोगों को चाहिए होती है ऊपर और नीचे बराबर की लाइट, तो इस फोटो में परफेक्टली लाइट आई। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पे वाइट पर्दा पे शूट किया। दोस्तों अगर आप स्टूडियो में इंडोर में फोटो शूट करते हैं और दोस्तों आपको अपना जो कस्टमर है उसकी जो फोटो है उसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना पड़ता है, तो दोस्तों आप एक वाइट पर्दा जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि वाइट पर्दा पे दोस्तों एकदम फोटो परफेक्टली आती है। वहीं पे दोस्तों हमारे पास एक ग्रीन पर्दा है, इस पे भी दोस्तों फोटो क्लिक करते हैं तो दोस्तों बाजू से यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है हमारे फेस पे, जिससे फोटो में मजा नहीं आता, इसलिए हम दोस्तों व्हाइट कलर या व्हाइट कलर का पर्दा यूज करते हैं। अब दोस्तों एक दो फोटो और हम लोग हरे पर्दा पे क्लिक करते हैं, देखते हैं उसमें कैसी फोटो आती है कैसी लाइट आती है। दोस्तों सेम सेटिंग्स है जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। अब दोस्तों हरे पर्दा पे फोटो क्लिक करते हैं, दोस्तों यहाँ पे हमने ग्रीन पर्दा को लगा लिया है। अब दोस्तों हम फोटो क्लिक करते हैं, दोस्तों इनकी एक दो पोर्ट्रेट हाफ वाली पोर्ट्रेट क्लिक करेंगे, देखते हैं इसमें कैसी फोटो आती है इनकी। थोड़ी और आगे आ जाइए दोस्तों, आपको करना क्या है यहाँ पे जो हमारा जिसकी हम फोटो क्लिक कर रहे हैं दोस्त या कोई भी हो, तो हमें उसको एकदम पर्दा के पास में नहीं करना है, थोड़ा उनको दूर रखना है ताकि जो पर्दा की जो ग्रीन ग्रीन कलर का लाइट है वो उनके फेस पे ना आ सके, इसलिए थोड़ा दूर रखना है। अब दोस्तों हम फोटो क्लिक करते हैं। सो दोस्तों इसमें भी एकदम परफेक्ट लाइट आई है, परफेक्ट फोटो आई है, इसमें ना कम लाइट है ना ही ज़्यादा लाइट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको फोटो में लाइट थोड़ी कम लग रही है तो आप यहाँ पे जो हमारा अपर्चर था F8 था वो आप F8 से F7 कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे इसका अपर्चर थोड़ा सा कम कर दिया है, F7 कर दिया है। अब दोस्तों हम फिर से फोटो क्लिक करते हैं, दोस्तों हमने यहाँ पे हमारे दोस्त को बैठाल दिया है। अब दोस्तों बैठाल के हम इनकी फोटो क्लिक करेंगे, देखेंगे कैसी फोटो आती है, फोटो में लाइट कैसी आती है कम या ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे कमाल की फोटो निकल के आई है हमारे कैमरे में इस सेटिंग्स में। तो दोस्तों आपको बाउंस लाइट चलाते समय दोस्तों बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, जैसा कि दोस्तों अगर आप शादियों में स्टेज पे बाउंस लाइट लगाते हैं तो दोस्तों आपको वहाँ पे थोड़ा अलग सेटिंग्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे दोस्तों हम जो इंडोर में फोटो शूट करते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको कैमरे की जो सेटिंग्स है वो अलग से करनी पड़ेगी। वहाँ पे दोस्तों अगर आप शादियों में जाते हैं तो यहाँ पे अपर्चर है वो आप 8, 9, 10 तक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे लाइट वैसे भी ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों बाउंस लाइट चलाना बहुत ही आसान है, दोस्तों इसका मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बनाया था, और दोस्तों बाउंस लाइट को कैसे चलाते हैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, आई बटन में मैंने उसका लिंक लगा दिया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं अगर आप पे बाउंस लाइट चलाते नहीं बनती है। और दोस्तों बाकी का जो सेटिंग्स है हमने आपको बता दिया है। यहां पे दोस्तों लाइट अगर कम ज़्यादा हो रही है तो आप यहां पे अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपर्चर को घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी जो फ़ोटो है वो परफेक्टली आएगी। बाकी आपको ISO और शटर स्पीड आपको इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, आपको ISO 100 रखना है और जो शटर स्पीड है वो 125, 160 है, 200 के समथिंग आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ानी है। बाकी का दोस्तों आपको अपर्चर से पूरा कंट्रोल करना है अपना फ़ोटो का लाइट।
तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हो और ऐसे ही नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।